ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ पर 8 जून के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम योग के माध्यम से, योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन या मेडिटेशन में उनकी याद में बैठना, कि मेरा सब सोच बोल कर्म हर चीज़, मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी वृत्ति है, वो सब कुछ परमात्मा से जुड़ जाए, तो उनके गुण मेरे अंदर आ जाए, उनकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ जाए और उनकी ताकत मेरे अंदर आ जाए और उनके ज्ञान के सब पॉइंट्स मेरे को याद रहें, ताकि मैं कोई भी निर्णय लूँ तो क्लैरिटी से लूँ, क्योंकि मेरा मन बुद्धि साफ है परमात्मा की शक्ति से। नहीं तो अगर मन के अंदर डाउट है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो फिर वो मन के अंदर ये सारे नेगेटिविटी जो है वो फोकस नहीं करने देती है और निर्णय को फटाफट लेने नहीं देती है। तो इसी पे आज का वरदान निर्धारित है। परमात्मा देखें कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। खजाने हैं ज्ञान, गुण, 36 गुण और शक्तियाँ। परमात्मा तो ज्ञान के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं और शक्तियों के सागर हैं, तो हमें उनसे सारी शक्तियाँ, उनसे सारे गुण और सारी नॉलेज, हमें विजडम जिसको कहते हैं, विवेक, हमें मिल जाता है अगर हम उनसे अपनी मन और बुद्धि को कनेक्ट करके रखें दिन भर में, बीच बीच में। तो बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो। तो खजाने कौन से, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे, कैसे खजानों का खर्च कम करके और प्राप्ति ज्यादा हो सकती है, कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्राप्ति प्रॉफिट कैसे हो सकता है। यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वे आप 1-2 सेकंड में कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं या आप एक नर्स हैं, सामने पेशेंट है और डॉक्टर जो थे उन्होंने आपके ऊपर कुछ चिल्ला के बोल दिया स्ट्रेस में आकर के, आप नर्स हैं एंड आप नर्स होते हुए आप इरिटेट हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए और आपने वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को जीतने दिया और आपका मन बुद्धि जो थी जिसको फोकस करना चाहिए था, पेशेंट सामने लेटा हुआ है उसको फटाफट आपको कुछ देनी थी दवाई या उसको सपोर्ट करना था किसी तरीके से, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में बिजी हो गए और डॉक्टर के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे गंदी चीज़ें, गंदी सोच और गुस्सा निकालते रहे, फ्रस्ट्रेशन निकालते रहे कि वो समय निकल गया और आप सेवा नहीं कर पाए, तो ये कहेंगे कि आपने सही निर्णय नहीं लिया। तो परमात्मा कहते हैं, जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, आपने वो कार्य किया, आपने वो कर्म किया, लेकिन आपने जो 2-4 मिनट लगा दिए अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने में, वो जो हलचल आई उसमें से, तूफान आए जो आपके मन के अंदर, गुस्सा आया आपको, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आई, वो बात सुन करके, वो जो 2-4 मिनट लगा दिए, अगर आप एक तपस्वी आत्मा हैं तो आप 2-4 मिनट नहीं लगाते हैं, आपको इन चीज़ों से असर नहीं पड़ता है, आप 2 सेकंड के अंदर ही आप निर्णय ले लेते हैं कि मुझे इस समय एकाग्र करना है, ये बातें बाद में की जा सकती हैं, मुझे फोकस करना है इस कार्य में। तो परमात्मा कहते हैं, 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मन क्लीन, क्लियर, ताकत चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, गुण चाहिए कि 1 सेकंड में आप क्या करो, अपने मूड को फटाफट नॉर्मल करके आगे बढ़ पाओ। ये तो कब होगा, जब आप ब्रह्मा कुमारी में आकर के राजयोग की विद्या लेंगे। तो कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। तो रिजल्ट तो आएगी, कोई 2-4 मिनट के बाद लेके आ रहा है, लेकिन आप 1-2 सेकंड में कर रहे हैं और समय भी बचा लिया आपने और संकल्पों की एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया। क्यों किया ऐसे, क्यों बोल दिया मेरे साथ में, मैंने क्या गलती करी, उनको समझनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, डांटना नहीं चाहिए, ये हो गया 2-4 मिनट का वेस्ट एनर्जी गॉन। तो आप क्या करना चाहते हैं, कि आप ऐसा बनना चाहते हैं जो कि आपको कोई असर ही ना पड़े और आप 1-2 सेकंड के अंदर जो कार्य करना उसको फटाफट कर लें, निपटा लें और अपने जीवन में सुखी रहें। तो उसके लिए आप 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स जरूर करिएगा। इसी के साथ ओम शांति।